वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड में हम रोज आपसे 25 सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको 5 सेकंड में देना होता है। 5 सेकंड के बाद सवाल का सही जवाब हम आपको देते हैं। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड के अंत में हम आपसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हम आपको नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड में देते हैं। आपको उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि इन सारे सवालों का सटीक और सबसे बेहतर व्याख्या हम कर सकें। दोस्तों, चलिए हम रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले पिछले रैपिड फायर राउंड में पूछे गए सवाल की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पिछला सवाल था, जावा को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज या फिर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम। दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण ही यूरिन का रंग येलो होता है। दोस्तों, यूरोक्रोम मतलब ही होता है यूरो मींस यूरिया, जो कि यूरिन में होता है, यूरिन, क्रोम मतलब कलर, इसलिए यूरिन का कलर यूरोक्रोम कहलाता है, यानी येलो कलर कहलाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, पाइवट, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंज जॉइंट। दोस्तों, हिंज जॉइंट 180 डिग्री तक मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो 180 डिग्री एल्बो जॉइंट, एल्बो 180 डिग्री मुड़ता है, अतः यह क्या है, एक तरह का हिंज जॉइंट है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था, वाटरमैन, एयरमैन, लिडमैन या फिर फ्रैंकलिन। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हैवर्ड या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से या फिर चाल से। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयाम से। दोस्तों, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी होती है, और जितना एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा तीव्रता होगी। तीव्रता ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। पित्त रस का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन, वसा का इमल्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वसा का इमल्सिफिकेशन। दोस्तों, वसा की बड़ी बड़ी बूंदें जब पेट से यानी कि स्टमक से ड्यूडेनम में आती है, तो ड्यूडेनम में उन वसा के साथ पित्त रस यानी कि बाइल जो लीवर में बनता है, पित्ताशय में जमा होता है,
और ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाता है लीवर के द्वारा, वह वसा के ऊपर एक्ट करता है और बड़े बड़े वसा के ड्रॉप्स को एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुईस पास्चर या फिर एफ बेंटिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद खुराना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, सूखा रोग या फिर घेंगा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, घेंगा। दोस्तों इस घेंगा को इंग्लिश में गोइटर कहा जाता है। और दोस्तों गोइटर एक किसी खास भूभाग में ही होता है, खास भूभाग में आयोडीन की कमी, जैसे पहाड़ी इलाकों में के पानी में आयोडीन की कमी होती है जिसके कारण घेंगा होता है। तो वैसी बीमारियां जो किसी खास भूभाग में किसी खास विटामिन या किसी मिनरल्स या फिर किसी तत्व की कमी के कारण होता है उसे इंडेमिक कहते हैं। कैसा कहते हैं? इंडेमिक डिजीज कहा जाता है दोस्तों। तो गोइटर कैसा बीमारी है? इंडेमिक बीमारी है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष या फिर 20 वर्ष? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष यानी कि 16 ईयर्स। दोस्तों 16 साल तक में दूध के सारे दांत यानी कि जिसे डेसीड्यूस टीथ भी कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या 20 होती है, यानी कि 32 दांतों में 12 दांतें जो मोलर होती हैं, यानी कि मोलर को छोड़कर सारी दांतें क्या होती है? डेसीड्यूस होती हैं, यानी कि दूध के दांत होते हैं जो जीवन काल में दो बार विकसित होते हैं। पहली बार 16 साल या 16 वर्ष की उम्र तक सारे 20 दांत गिर जाते हैं और नए दांत विकसित होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड, वायु? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वायु। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस उत्तल है, अवतल है, समतल उत्तल है या फिर समतल अवतल है? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अवतल है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा जीवधारी पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या अमीबा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे? अग्नि, सोम, वरुण या फिर इंद्र? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, कैप्टन कुक या फिर लॉर्ड क्लाइव? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16।
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और मुगलों के बीच, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजगुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। मियादी बुखार या टफॉइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा, तिल्ली, लीवर या फिर आंते। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली यानी कि स्प्लीन। दोस्तों मियादी बुखार में पहले स्प्लीन यानी कि तिल्ली प्रभावित होता है और अंततः लीवर भी में भी स्वेलिंग हो जाता है और आंतों से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यदि तिल्ली ऑप्शन में ना हो तो आप आंत भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि तिल्ली के बाद आंत ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है? मक्खन, दूध, कॉड यकृत तेल या फिर चूजा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉड यकृत तेल या कॉड लिवर ऑयल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती हैं पतली, चौड़ी, लंबी तथा मोटी या नुकीली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लंबी तथा मोटी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं? नरम दलीय, गरम दलीय, उदारवादी राष्ट्रीयता या फिर नरम गरम दलीय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी राष्ट्रीयता। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? दामोदर, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? हृदय, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र या फिर लीवर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। द लास्ट क्वेश्चन इज, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ध्वनि कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। फिर हम कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे 25 सवालों को लेकर नए रैपिड फायर राउंड में। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त करने से पहले हम आपको एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों सवाल है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा, सफेद, लाल, हरा या फिर काला। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इससे संबंधित
कुछ और भी जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, इससे सभी लोगों का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ।